लव यू लव यू कहते कहते, और आज दर्द जिगर और कैसी ये होंठों की लाली जो सीरियल लेकर आ रहे हैं, ये कौशल फिल्म प्रोडक्शन हाउस अपने आप में एक, मुझे लगता है आने वाले समय में मिसाल कायम करेगा। और ये हमारे प्रकाश श्रीवास्तव है, ये आप कैसी होंठों की लाली को डायरेक्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, इसी 8-9 तारीख को शूट है इसका, और बाकी कहानी पे काम चल रहा है, स्टार कास्टिंग पे काम चल रहा है, और बहुत जल्दी 9 या 10 में हम लोग इसको शूट करेंगे। ये बताइए कौशल जी, आपने आप अपने बारे में बताइए, मैं तो बता दिया आपके बारे में। मैं कैलाश कुमार कौशल, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड गजेट ऑफिसर हूँ, और मतलब था गजेट ऑफिसर, अब रिटायर्ड हो गया हूँ। और क्योंकि ये कंसेप्ट हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान छोड़िए पूरे विश्व में, जहाँ जहाँ भी सेक्स के प्रति लोगों का लगाव है, खूबसूरती के प्रति आकर्षित होते हैं, उनका आकर्षण इस सीरियल को देखने के माध्यम से पता लगेगा कि किस देश में कितने ज़्यादा केस हो रहे हैं। और हमारा अंदर से भाव ये था कि हमारे हिंदुस्तान में जो बलात्कार देश के कोने कोने में छोटी छोटी बच्चियों के साथ में हो रहा है, ये बड़ी दर्दनाक घटनाएं हैं, जिन्हें हिंदुस्तान के एक एक नुमाइंदों को पता लगना चाहिए, उनके दिल में ये दर्द जागना चाहिए कि क्यों हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में ये बलात्कार किया जा रहा है। और जब किया जा रहा है तो उसके प्रति उनका क्या दायित्व बनता है, और वो दायित्व क्यों नहीं निर्वाह कर रहे। हमारा ये सोचना है कि अगर आज हमारे हिंदुस्तान की बच्चियों के प्रति इस प्रकार का यदि किसी प्रकार का ये माहौल तैयार किया जाएगा, तो हिंदुस्तान की बच्चियाँ एक कोने में जाके सिकुड़ के बैठ जाएंगी। उनके अंदर का भाव जो डेवलपमेंट है, उनका मेंटली डेवलपमेंट है, संकुचित हो जाएगा या लुप्त हो जाएगा। तो जो बच्चियाँ अलग अलग क्षेत्रों में जो आगे बढ़ के अपना मुकाम हासिल करके देश का नाम रोशन कर रही हैं, वो हमारा पूरा अवसर समाप्त हो जाएगा। तो हम ये कैसी ये होठों की लाली इस सीरियल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं देश के उन नुमाइंदों को जो देश में राज कर रहे हैं, कि हमारे देश की बच्चियों की रक्षा करो। छोटी छोटी बच्चियाँ जो कल का भविष्य हैं, इस देश का भविष्य हैं, उस भविष्य के प्रति वो सजग हों, ताकि बच्चियाँ आज जो हैं वो कल इस देश की बागडोर संभाल के हिंदुस्तान को और ज़्यादा उन्नतिशील बनाए। ये तो हमारे अफरोज साहब हैं, म्यूजिक डायरेक्टर साहब, जिन्होंने हमको बहुत प्रोत्साहित किया कि आप करिए, हम आपके साथ में हैं। तो मैंने पिछले महीने में एक एल्बम का मुहूर्त हुआ, लव यू कहते कहते मुहूर्त एल्बम का इस महीने में इसी के साथ में हो रहा है, जिसका नाम है दर्द जिगर। गाने क्योंकि अब आप जानते हैं मेरी ये एज है, लेकिन इस एज के अंदर की जो कहते हैं ना कि दिल जवान होता है, वो भावनाओं को व्यक्त करते हुए जवान लड़के जो है, नया युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग को एंटरटेन करने के लिए ये एल्बम लाए जा रहे हैं। सर, जो अलग अलग मूड के आपने जो रिसर्च सीरियल के लिए रिसर्च किया होगा, यस, क्या कारण आपको लग रहे हैं कि इस तरह के घना जो रेप बढ़ रहे हैं हमारे देश में, क्या कारण आपको दिख रहा है? मतलब आपने बात किया होगा रेपिस्ट लोगों से, बात किया होगा या किसी लोगों से आपने बात तो किया होगा ना, रिसर्च किया होगा ग्राउंड लेवल में ना, तो आप लोगों ने किससे बात किया कि इससे कुछ अच्छा संदेश जाए, मतलब क्या कारण है? रेप होने का कारण कौन सा? इस संबंध में किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तस्वीरें घटना घटती हुई सामने दिखाई दे रही हैं, वारदातें हैं, सब देख रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं देश में घट रही हैं। अब उन घटनाओं के प्रति अब किससे सलाह लिया जाएगा, एकदम प्रत्यक्ष सामने सबको दिख रही हैं, इसलिए हमने अपने दिल से ये भावना बनाई, ये बात निकली, और हमने उसको देश के पूरे जन समुदाय के सामने रखने की कोशिश की है। एक बात बोलिए आपने, जी सर, दिल जवान है लेकिन अभी जवान लग रहा है, वो आप लोगों की नज़र है, अच्छा है ऐसी ही नज़र बनी रहे, और मैं इस इंडस्ट्री में अपना बहुत सारा योगदान दूँ, अभी बहुत काम करना है मुझे, और अगर मेरे को अप्रोच भाई साहब का साथ मिला, बहुत काम करके दिखाएगा और मज़ेदार काम करेंगे। नहीं, मैं तो कौशल जी के साथ हूँ, और मैं तो इनको बोलता हूँ कि भाई आप रिटायर्ड गजेट ऑफिसर नहीं लगते हो, आप एक युवा लगते हो, और आप लोग मीडिया में भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोग तो सारा दिन ये सब काम करते रहते हैं, बट ये है कि दिल इनका वाकई बच्चा है, एनर्जी जबरदस्त है सर, एनर्जी बहुत अच्छी है और एनर्जेटिक इंसान है, और हमारे प्रकाश श्रीवास्तव बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्टर हैं, और इस पर सीरियल को कर रहे हैं,
फीमेल ओरिएंटेड बताएंगे। बाकी क्या कुछ क्या आप संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता को, क्या बताना चाहते हैं, बताइए प्रकाश जी। देखिए जैसा कौशल जी ने कहा है कि नारी की बात कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हमारा है पूरा आज और कल की नारी पे कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। जिस तरीके से पहले नारी हुआ करती थी, जिस तरह से वो प्रताड़ित होती थी और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती थी, और जिस तरह से आज की नारी है वो अपने आप को स्टैंड लेती है, अपनी चीज़ों पे खड़ी होती है, अपनी बात कहने के लिए आती है, और जिस तरह भी की चीज़ें अब हम समाज में देख रहे हैं वो ना समाज में सिर्फ नारी और किसी अलग समुदाय की बात होती है, हम एक ऐसे पर्टिकुलर वर्ल्ड पे आ गए हैं जहाँ पे सिर्फ सम्मान की बात है, एक नारी का सम्मान है जो चला जा चुका है। आज हम देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चों के साथ गलत काम हो रहे हैं। तो कौशल जी ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिखा है, छोटी वर्ड में बोलूँगा कि जिस तरह से समाज हमारा आज गलत तरीके से जा रहा है उसको उन्होंने एक अपने कॉन्सेप्ट से लोगों को बताने की कोशिश की है कि वो हम उसको सही कर सकते हैं। नारी जिस तरह से स्टैंड ले रही है उस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है, और लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि नारी का सम्मान होना चाहिए। और जिस तरह से ये टाइटल है कैसी ये होठों की लाली, इसकी मीनिंग वही होती है कि कैसी ये होठों की लाली है, जो पहले थी और जो आज है उसमें क्या सम्मानताएँ हैं, नहीं, बहुत कुछ बदल चुका है। सो हम उस पर चर्चा करेंगे आगे, कॉन्सेप्ट पे और रिसर्च कर रहे हैं, जितनी अच्छी होगी रिसर्च उतना आगे चल के सामने आएगा और आपके सामने भी हम लेकर आएंगे उसको, प्रस्तुत करेंगे। ये सीरियल के प्रोमो कब तक आ जाएंगे और कौन सी चैनल में टेलीकास्ट होगा? देखिए चैनल्स की चैनल्स की जो बात है, चैनल तभी बातचीत हो चुकी है हम लोगों की, और ये प्रोमो मेरे ख्याल से नहीं समझिए शो टेलीकास्ट हो जाएगा दिसंबर के लास्ट में, चैनल एंड तक टेलीकास्ट हो जाएगा। और फिर हम कुछ एपिसोड्स होंगे खाली, सिर्फ ऐसे कोई एपिसोड भेजे, यही डेली शो होगा? नहीं, ये हफ्ते में 5 दिन होगा जी, डेली शो है पूरा, और हफ्ते में 5 दिन। कौन सा चैनल दिखा रहे? चैनल अभी नहीं बताएंगे, मना क्या हम लोग। काफी हॉट दिख रही है, किस तरह का रोल है आप इस फिल्म में? आपने हॉट रोल ही दिया तो ऑब्वियसली हॉट रोल ही होगी। ओके, क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए और आपको इंट्रोड्यूस कीजिए मेरी बात। हां, आई थिंक यू नो माय नेम ऑलरेडी, प्रेरणा केशु, एंड आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ओके, कैन यू टेल अस अबाउट रिगार्डिंग योर कैरेक्टर और अबाउट दिस सॉन्ग, द म्यूजिक एल्बम? Have you sure this song today shoot हुआ है, क्या है हुआ, थोड़ा सा कुछ बताना चाहिए। जो भी है इस सॉन्ग का ऑलरेडी आई थिंक आपको अपने सर ने बता चुका है, सो वही है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें। कितनी तैयारी की है आपने इसके लिए? दर्दे जिगर, मतलब कभी हुआ आपको दर्दे जिगर? हर दिन होता है वो तो, हर दिन हो जाता है। दो नाव में सवार नहीं कर सकते हैं। ओके, इसीलिए ओके। दो एक्टर आपके साथ बैठे हैं, कौन है सबसे ज्यादा? सॉरी, दो एक्टर आपके साथ बैठे हैं, कैसा रहा मतलब कुछ फीलिंग बात नहीं थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके सर, आप कुछ बताइए, आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए थोड़ा। ये कैसा दर्द जिगर में? दर्द जिगर जो आज सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ, अक्षय उपाध्याय ने काफी अच्छा गाना गाया है, और ये काफी अच्छा रोमांटिक सॉन्ग है, अच्छा लगा सुनने में। अफरोज जी ने काफी अच्छा म्यूजिक भी बनाया, कैलाश कौशल जी का लिरिक्स है। अक्षय ने बहुत अच्छा गाना गाया है और कौशल जी ने बहुत अच्छा गाना लिखा है, एंड यू शुड एंजॉय दैट सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग है तो मजे आएंगे। एल्बम के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहिए? जो ये डायरेक्टर है संजीव त्रिगुनायक जी, काफी अच्छे डायरेक्टर है। काफी अच्छा वुमेन ओरिएंटेड लिखा, इसका स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा था, काफी अच्छा वुमेन से रिलेटेड, जो देश में रेप हो रहा है, जो मिसबिहेव चल रहा है वुमेन्स के साथ, उसके ऊपर काफी अच्छा लिखा कैलाश कौशल जी ने, और काफी अच्छा इसका पायलट शूट हम शूट करने जा रहे हैं। कि देश में कुछ भी हो, जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक देश नहीं सुधरने वाला, तो हमें खुद औरतों को इज्जत देनी होगी। ना कोई नेता के हमें दिखाएगा कि आप ऐसे इज्जत करो, कुछ नहीं, वो हमें करना होगा। जब तक हम नहीं सुधरेंगे देश नहीं सुधरेगा, तो ये सीरियल शायद कहीं ना कहीं हमें सुधारने के लिए, कि हम
औरतों की इज्जत करें। ओके, कब तक सीरियल आ जाएगा, कौन से चैनल में आ जाएगा, थोड़ा सा इसका चैनल अभी तो ओपन डिसाइड नहीं किया, ओपन नहीं किया है, पर इसका पायलट शूट 9 तारीख से करने जा रहे हैं। पायलट शूट है, 9 और 10 शूट कर रहे हैं अभी, इसकी कास्टिंग चल रही है। जब आपको ये स्क्रिप्ट पढ़ाया दिया गया तो आप व्हाट इज योर रिएक्शन, आप लोग क्या रिएक्शन? मैंने तो अभी स्क्रिप्ट पढ़ा, काफी अच्छा। ओके, आप कैसे? ओके, रिसेंटली बॉलीवुड में बहुत सारी बात हो रही है, जैसे कि ये रेप जैसे बड़े महिलाओं को सुरक्षा के लेके है टॉपिक, तो रिसेंटली तनुश्री दत्ता के बारे में काफ़ी बात हो रही है, आप लोगों का क्या राय है मैम, क्या कहना चाहिए? नाना पाटेकर जैसे एक्टर जो नॉलेज ये हैरेसमेंट है उसको लेके, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो ऊपर वाला जाने, वो पर्दे के पीछे की बात है, कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए, वो पर्दे के पीछे की बात है। बट यू आर द आप मैंने कई रियलिटी शोज किए हैं, लाइक DID सीजन 6, ZTV ऑन, अभी मेरा रिसेंटली चल रहा है इंडिया के बस कैलेंडर, जिसमें जज मिस्टर मीका सिंह एंड नीता माँ है, सभी लोग जानते हैं उनको, उसमें मैं सेमी फाइनलिस्ट रहा हूँ। अभी मेरे दो परफॉर्मेंस टेलीकास्ट हो चुके हैं, देन अभी एक और परफॉर्मेंस टेलीकास्ट होगा, और मैं ये एल्बम्स की कोरियोग्राफीज करने वाला हूँ, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगे और मस्ती करेंगे। ओके, डांस के अलावा क्या करते हैं, एक्टिंग भी करना सब नहीं करते? एक्टिंग, डांसिंग, डिजाइनिंग और सभी करते हैं। थैंक यू। अपने लुक के बारे में थोड़ा भी बता दो, लुक काफ़ी अनोखा लुक है, हाँ कुछ बता दीजिए, नया लुक है। इसके पीछे भी एक राज है, क्या है कि जो मेरा रेड हेयर है एंड फंकी कॉस्ट्यूम लाइक एक खिलौने की तरह, जो गीता माँ है उन्होंने मुझे ट्राई का मतलब टाइटल दिया कि तो एक खिलौने की तरह है, लाइक स्मार्ट क्यूट, या गीता माँ के लिए गया। यस, सर नेमा राम जी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मतलब मैं इनसे फ्रेंड की तरह रहता हूँ और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सर आप बताना चाहें किस तरह से एसोसिएटेड है आप? सर अफरोज खान जी पार्टी रिलेटेड है, और उन्होंने मुझे मैसेज दिया था, मैं यहाँ पर आया जिगर, इसके बारे में एल्बम में उसके बारे में बहुत ही अच्छा लगा, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे उनके साथ में देख देख के आ जाऊँ। क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? बहुत ये बहुत ही अच्छी आगे रिलीज हुए और बहुत ही अच्छा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।